अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी चुप्पी कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, असल में मुझे लगता है कि ये संवेदनहीनता ही पराकाष्ठा इसको कहा जा सकता है। चूंकि सारा देश जिस समय इस गम में मुब्तला है कि हमारे तीन जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनमें कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी भी हैं, DYSP भी हैं, तो इतने महत्वपूर्ण अधिकारी अगर शहीद हुए हैं और आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए हैं, और ऐसे समय शहीद हुए जब सरकार ये दावा करती रही थी कि लगातार कि कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया है धारा 370 हटने के बाद, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि गृहमंत्री तक का भी अगर कोई इस पर वक्तव्य नहीं आता है, कोई ट्वीट भी नहीं आता है, और उल्टे जो है ठीक उसी समय आप जो है वहाँ जाकर के जश्न मना रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता जो है वो उसको वही प्रकट करता है। यानी एक खिलाड़ी की उंगली में अगर चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करते हैं, किसी और के हो जाता है सेलिब्रिटी के साथ तो प्रधानमंत्री इस तरीके करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कल से लेकर के आज तक जो है इस विषय पर अपनी संवेदना प्रकट करने का कोई समय नहीं मिला है। क्या ये भी कोई मणिपुर जैसा मसला है कि प्रधानमंत्री जो है इस पर भी जो है 80 दिन के बाद जाकर के 36 सेकंड का कुछ बोलेंगे, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का कल ही जो था उसके थोड़ी इस घटना के थोड़ी देर बाद ही बयान इस पर आ गया था, संवेदना उन्होंने प्रकट कर दी थी। लेकिन देश जो है चूंकि प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि ऐसे गंभीर मसलों पर, ऐसे संवेदनशील मसलों पर प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जिन्होंने शहीदों के नाम पर ही वोट मांगे थे दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में उतरे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो इन शहीदों के नाम पे ही गए थे, तो उन शहीदों के लिए भी अगर प्रधानमंत्री के पास जो है संवेदना के दो शब्द नहीं है तो प्रधानमंत्री फिर किसके लिए संवेदना व्यक्त कर सकते हैं? राजीव जी, ये बहुत चिंता का विषय है। मणिपुर पे जो इतना समय होता रहा कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक था, प्रधानमंत्री नहीं बोले ठीक है, तो जब इस पर भी नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री, मणिपुर पर क्यों बोलेंगे प्रधानमंत्री? मणिपुर की बात आप कर रहे हैं, बात यहाँ अब एक इतनी गंभीर घटना घट गई, चार जवान शहीद होते हैं 3+1, और इस शहादत के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न का जो माहौल है उसको नहीं रोकते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, जो अभी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे। और जरा अब उन प्रतिक्रियाओं को देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि फारूक अब्दुल्ला, जो आप जानते हैं, अगर कश्मीर की कोई बात हो, कोई घटना हो, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की कोई बात आती है तो ये आप तक रखना हमारा फर्ज बनता है। जरा फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं कि इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता ना ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप, यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो ये आप सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला काफ़ी टेंस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, और देखिए तमाम नेता परेशान हैं, अलग अलग बयान, सोशल मीडिया पटा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जश्न में लीन हैं। कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है प्रशांत जी? ये मतलब ऐसी चीज़ है जिस पे हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुखद मन से इस खबर को आप लोगों के बीच ला रहा हूँ दोस्तों, बहुत दुखद मन से, बहुत दुखी मन से, कि मणिपुर की घटना, जैसे अभी हम नंदू जी बता रहे थे, मणिपुर की घटना घट जाए, आप कुछ सेकंड के लिए आकर, कुछ मिनट के लिए आकर के आप उस पर बात करना तक मुनासिब नहीं समझते हैं, और संसद में, संसद के सत्र में इस पर विशेष चर्चा करवानी पड़ती है। अब देखिए इतनी बड़ी घटना घट गई कल अनंतनाग में, और आप जश्न के माहौल को अभी तक खत्म नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भी तो किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के दोस्त रहे होंगे जो जिनकी शहादत हुई है इस देश के नाम पर। और अगर ऐसा देखा जाए तो प्रशांत टंडन जी, जो बात आप इंटरव्यू में, खासकर सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू में जो बातें आई हैं सामने, वो बात तो यहाँ सामने जो लोग लिख रहे हैं,
मैं नहीं जाना चाहता हूं उतना डीपली और उन मुद्दे को यहां नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि ये देश के लिए एक गमगीन करने वाला माहौल बन चुका है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता इतनी न रहे कि कम से कम इस मसले पे दो शब्द आप उन शहीदों के नाम बोल दें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दें, ये न रहे, तो फिर कैसे देखा जाए प्रशांत जी इसको? नहीं राजीव जी, ये संवेदनहीनता तो है ही, लेकिन इशारा कर रहे कि कहीं कुछ बहुत गड़बड़ भी है सिस्टम के अंदर, जिसकी हम लोगों को अभी खबर नहीं है। आप देखिए कि आर्मी को लेकर, हमारी सेनाओं को लेकर एक खास किस्म का कैंपेन नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैत्री लोगों की, उसमें भी सेना पे बहुत आरोप लगाए गए हैं, और मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की टीम जब गई और उनके ऊपर, उन संपादकों के ऊपर वहाँ पे FIR कर दी गई, तो उन संपादकों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो तो आर्मी के कहने पर गए, आर्मी के बुलावे पर गए थे। तो कहीं कोई फिर अब आर्मी के अफसर मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से एक खामोशी है, कहीं कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई दरार है, कहीं कुछ बात है जो कि सेना और सरकार के बीच में कुछ इशारा जरूर कर रही है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर पे तो देखिए सेना पर इस तरीके के आरोप नहीं लगते हैं, और सेना के बुलावे पर अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के लोग गए मणिपुर तो उन पे FIR हो जाए, तो देखिए सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, या मुख्यमंत्री को आप मान सकते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री बहुत ही क्लोजली सेंटर के साथ, गृह मंत्रालय के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो ऐसे मौक़ों पर उनको पता होगा कि ये सेना के इन्विटेशन पे गए हैं, जो संपादक गए थे, उसके बावजूद FIR किया उनके ऊपर, तो कहीं कुछ बड़ा असहज है, कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये सामान्य बिल्कुल नहीं है जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। और मैं बार बार इसलिए इशारा करता हूँ कि ये जो अफसरों का एक सिंडिकेट बन गया है, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो एक टीम है जो मोदी साहब के इर्द गिर्द है जो काम कर रही है, तो इसको बहुत ही हम केवल संवेदनहीन कहकर, संवेदनहीनता का बात करके इसको हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ गंभीर मसला है कि सेना के खिलाफ इस तरीके की बातें आ रही हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने सेना के जो अफसर मारे गए, जवान मारे गए और पुलिस का एक अधिकारी मारा गया, उस पर शोक संवेदना व्यक्त की है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री को खबर नहीं थी, प्रधानमंत्री को मिनट की खबर होती है, रैलियों में तो लोकल अखबारों की खबरें बता देते हैं वो। तो ये इलेक्शन कैंपेन में के मोड में है, या फिर ये किसी और ट्रिप में है, इसको समझा नहीं जा सकता। और इसको बीजेपी के अंदर, जो पता नहीं मुझे कि बीजेपी के अंदर कैसे लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कोई ट्वीट नहीं आया। तो रक्षा मंत्री का तो कम से कम आना चाहिए, रक्षा मंत्री का तो आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गृह मंत्री का आना चाहिए, रक्षा मंत्री का आना चाहिए। फुल प्रूफ प्लान आप बनाते हैं, आपको आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी मिलती है, उसके बाद आप वहाँ फुल प्रूफ प्लान बना के जाते हैं, और जब शहादत हो जाती है, और चलिए कई बार आप क्योंकि मोर्चे पे हैं, आपको कभी उसका फ़ायदा मिल जाता है, कभी नुकसान होता है, कभी आपका प्लान जो है वो कारगर साबित होता है, कभी कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन ये तमाम बातों के बीच हमारे देश के हुक्मरान उसी वक्त अगर जश्न मना रहे होते हैं, चलिए ये भी मान लिया प्रशांत जी
ये भी मान लिया कि प्रधानमंत्री को इसकी खबर नहीं थी, चलिए एक मिनट के लिए, हालांकि ये तो आप खुद बता रहे हैं और हम सब जानते हैं पल पल की रिपोर्ट पीएम के पास आती है, लेकिन उसके बाद भी मान लिया आपके पास नहीं है, लेकिन आज जो ये तस्वीर आ रही है ये तो कल के बाद की तस्वीर है ना, ये आज ये वीणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद अब जाएंगे पीएम छत्तीसगढ़, और वहां भी आप शहीदों के नाम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और इसके अलावा कुछ नहीं बचा है? चलिए इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी नेता और सांसद, राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा, जरा सुन लेते हैं। मनोज कुमार झा ने जो बातें कही हैं जरा सुनिए। ये हमारा बड़ा दोहरा चरित्र, मैं इसमें जाना नहीं चाहता कि बीसीसीआई किसके हाथ में, और वो हाथ सबसे महत्वपूर्ण हाथ है आज के दिन में। मेरी चिंता इस बात की है कि कल जब हमारे जवानों की शहादत हो रही थी वो विजुअल हम देख रहे थे, हम जश्न का विजुअल देख रहे थे, बीजेपी हेडक्वार्टर से लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इट कुड हैव वेटेड, अब एक दिन इंतजार कर लेते, दो दिन इंतजार कर लेते, वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है, पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहाँ तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जस्ट मना रहे थे जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले पाएगा। बहुत 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 दुखद है, और ये घटना और इस घटना पे की जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया नहीं आई, ये संवेदनशीलता जो है वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही है जो संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए थी, और सबसे बड़ी बात कि अभी तक इस पर न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, न गृह मंत्री अमित शाह का, और न ही प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य कोई बयान नहीं आना, ये और भी चौंकाने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के जिन शहीदों के नाम आप चुनाव लड़ते हैं, पुलवामा की घटना एक बहुत बड़ी घटना थी जिसको लेकर कई बार उंगली उठा चुके हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, लेकिन आज जब ऐसी ही एक घटना घटती है जिसमें तीन उच्च अधिकारी सेना के वो शहादत उनकी हो जाती है, उनके नसीब में शहादत आती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कह रहे हैं, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अमलेंदु जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसा जश्न है मोदी जी। ये सवाल तो पूछा जाएगा कि एक तरफ आप हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और आप जश्न में मशगूल हैं, आखिर हो क्या रहा है? अमलेंदु जी देखिए, राजीव जी, असल में जैसे पहले का, फिर मैं उस बात को ही दोहराऊंगा कि ये असल में प्रधानमंत्री का जो संवेदनहीनता है उसको ही दिखाता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी इस घटना की, अगर जानकारी नहीं थी तो ये और ज़्यादा गंभीर अपराध है कि देश का प्रधानमंत्री जो है देश के अंदर इतनी गंभीर घटना हो जाए और वो भी केंद्र शासित राज्य में हो जाए जो सीधे सीधे आपके अंडर में आता है एक तरीके से, जहाँ सीधे सीधे आप उसको संचालित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ये तो और ज़्यादा गंभीर बात है। मतलब देश बिल्कुल असुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री अगर इतना अनभिज्ञ है कि देश के अंदर क्या हो रहा है और उसे ये जानकारी नहीं है, और लगभग 24 घंटे होने को आ गए इस घटना को, और अभी तक प्रधानमंत्री को अगर इसकी कोई जानकारी नहीं है और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, तो और भी ज़्यादा गंभीर चिंता की बात है। दूसरी बात राजीव जी ये कि प्रधानमंत्री चूँकि उत्सव जीवी हैं, वो उत्सव में ही जीते हैं। मतलब वो जब कोरोना काल था और आपने देखा किस तरीके से गंभीर परिस्थितियां देश के सामने थी, प्रधानमंत्री उस समय भी जनता से उत्सव मनवा रहे थे, ताली थाली पिटवा रहे थे उस समय भी, तो ये तो प्रधानमंत्री उत्सव मनाते रहते हैं, तो ये प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। और जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, मतलब उस समय भी वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री अगर उत्सव मनाने लग जाए उस दुर्घटना स्थल पर जाकर के, यानी वहाँ अगर मोदी मोदी के नारे लगने लग जाए, फोटो ऑप वहाँ अगर होने लग जाए प्रधानमंत्री के पहुँचने का, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा संवेदनहीनता है। तो मुझे लगता है कि इस देश को एक मनुष्य की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री जी बने वो मनुष्य हो, कम से कम देवता नहीं हो, क्योंकि देवता हृदयहीन होता है, मनुष्य के अंदर हृदय होता है। मुझे लगता है किसी मनुष्य की आवश्यकता है कि जो मनुष्य जो है इस देश का प्रधानमंत्री बने, जिसके अंदर दर्द हो, जो समझ सके कि दर्द होता क्या है, इंसान के अंदर कष्ट क्या होता है। अगर आप इस कष्ट को नहीं समझ सकते हैं, अगर आप इस कष्ट को नहीं जानते हैं, तो आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मसला है, प्रधानमंत्री को इस पर निश्चित तौर पे अपनी प्रतिक्रिया अभी भी वक्त है तोड़ना चाहिए, मतलब अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, और नहीं करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि प्रधानमंत्री फिर उत्सव जीवी है, जश्न मना रहे हैं, वो कहीं भी खड़े होकर जश्न मना सकते हैं। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल।
जो तीन जवान शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल हैं, एक मेजर हैं और एक डीएसपी हैं। कर्नल और ये राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह हैं, एक कंपनी कमांडर हैं मेजर आशीष धोंचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के में डीएसपी हुमायूं भट्ट, तीन की जान गई है। अब देखिए आप मज़ेदार तथ्य यहाँ पे, मनप्रीत सिंह, आशीष धोंचक और हुमायूं भट्ट, ये तीनों और इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों जवानों की शहादत हो जाती है। और आपसे याद होगा कि हम लोग कल शाम को जब न्यूज़ पॉइंट कर रहे थे उसी वक्त ये खबर आई थी और हमारे ही पैनलिस्ट में से एक शकील अख्तर जी इस बात को यहाँ रख रहे थे कि यहाँ, और उसी वक्त हम लोग एक तस्वीर और दिखा रहे थे आपको, वो तस्वीर थी बीजेपी मुख्यालय की जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। लेकिन जब शकील अख्तर जी वो बात कह रहे थे इस घटना के लगभग एक घंटे बाद, वो बात हम लोग कर रहे थे, जब हमारे पास ये खबर आई ब्रेकिंग न्यूज़ और धीरे 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 वो परिवर्तित हुई, तो जब घंटा भर पहले ये चर्चा हो चुकी, जब घंटा भर पहले ये जानकारी मिल चुकी थी कि ऐसा हो गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्वागत सत्कार कराते हैं। चलिए यहाँ भी सब कुछ क्योंकि तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार उनको पहुँचना था, तत्काल नहीं रुकवा सकते थे। लेकिन प्रशांत जी, आज तो इस कार्यक्रम को जिसमें अभी देखिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हंसते हैं, ये हाथ हिला रहे हैं, तमाम देखिए, मतलब ये तस्वीरें क्या इस देश की जनता नहीं देख रही है? वो परिवार, उन शहीदों का परिवार नहीं देख रहा होगा जो आज गमगीन है, जो गम में डूबा हुआ है, वो नहीं देख रहा होगा कि आखिर कितने संवेदनहीन हो सकते हैं हमारे देश के राजनेता, कि आप क्या इतनी जरूरत थी कि आज ही आप जाइए, आज ही उद्घाटन कीजिए, और इसके बाद अगर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पे इस मसले पे चर्चा हो रही है, हम और आप चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद कोई कहे कि आप देश के की सुरक्षा के नाम पर आप कुछ और चर्चा कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है, तो ये तो क्या कहा जाए? आप ही बताइए प्रशांत जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने, हमने, हम सब ने पत्रकारिता के जीवन में देखी हैं, रिपोर्टिंग की हम लोगों ने, कितनी सारी खबरें आती थी कश्मीर से लेकर के बस्तर तक, जहां जवानों की शहादत होती रही, लेकिन ऐसी चीजें हम लोगों ने नहीं देखी, शायद मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको कहीं याद आ रहा हो कि ऐसी घटना कोई घट गई उसके बाद भी आप अपने कार्यक्रम को जारी रखते हैं। कल रात की घटना को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें कि आप अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे थे, और इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आपने G20 में का सफल आयोजन किया, G20 का सफल आयोजन किया तो देश की जनता आपको उसके लिए सम्मानित करेगी, लेकिन आप अपने लोगों से सम्मानित करवा रहे हैं, उसको भी छोड़ दें। आज जो कुछ कर रहे हैं आप, रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोकार्पण उद्घाटन करने जा रहे हैं आप, ट्वीट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को लोकार्पण और शिलान्यास का सौगात देने में आ रहा हूं, ये ट्वीट आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट किया कल रात को, लेकिन आप ये ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि जो शहीद हुए जवान हैं उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और क्या इससे दुखद क्या नहीं हो सकता प्रशांत जी? क्या आपने देखा कभी अपने जीवन, पत्रकारीय जीवन, ये ऐसी घटना भी घटी हो? जी नहीं, केवल राजीव जी लोकतंत्र में ही नहीं, आप उन जगहों पे, उन देशों को देखिए जहाँ तानाशाही है, तो जो तानाशाह है जो है वो भी अपने देश की सैनिकों के मरने पे तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है मोदी साहब, और ये सामान्य नहीं है, मानसिक रूप से भी सामान्य नहीं है और एक प्रधानमंत्री के तौर पे भी सामान्य नहीं है। देखिए राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, और प्रधानमंत्री की एडवाइस पे राष्ट्रपति काम करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो हैं वो उसके मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के अंतर्गत है,
तो आपके और आपके देश की सेना है, ये सब छोड़िए, आपके देश की सेना है, आपके देश के लोग आपकी देश की सीमाओं की और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए मारे गए हैं एक ऑपरेशन में। तो अगर आप उस पर संवेदना नहीं प्रकट कर रहे हैं तो बहुत आश्चर्य है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मीडिया में ये खबर हो सकता है देर में आई हो, लेकिन ये तो सुबह की घटना थी, परसों रात वो ऑपरेशन में गए थे सर्च में, और कल सुबह वहाँ पे फायरिंग हुई है और उनको श्रीनगर लाया गया और श्रीनगर में उनको बचाया नहीं जा सका। तो ये सारी घटना प्रधानमंत्री तक तो पहुँच गई होगी, जम्मू कश्मीर में गवर्नर है वो, उन्होंने सूचित किया होगा, आपके अपने लोगों ने सूचित किया होगा, आपको इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग मिलती है शाम को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल इसको इस तरीके से देखना कि ये असंवेदनशीलता है, मैं थोड़ा सा उससे आगे भी जाना चाहता हूं कि मुझे बहुत असामान्य लग रहा है, खासकर राजनाथ सिंह की तरफ से भी कुछ ना आना, ये कोई बहुत असमान है, सरकार और सेना के बीच में जो कुछ हो रहा है ये उचित नहीं है। और इसमें अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, न्यायपालिका के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए ये चिंता का विषय है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री एक इस तरीके के असमान व्यवहार कर रहा है तो ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल ये चिंता का विषय होना चाहिए, और ये एक अलग तरह का व्यवहार माना जा सकता है। और जिस जो बात यहाँ रख रहे हैं प्रशांत टंडन जी, जरा समझना चाहता हूँ आपसे भी अमलेंदु जी, कि कैसे देखा जाए इस टाइप का, जो बिल्कुल ये घटना परसों रात की है, कल सुबह ये खबर आती है इनको बचाया नहीं जा सका, तीनों जो एक मेजर हैं, कर्नल हैं और DSP हैं, तीनों को बचाया नहीं जा सका, शहादत की खबर आती है, PM के पास ये खबर पहले आ चुकी होगी, लेकिन जश्न में आप मशगूल हैं, और उसके बाद उतना ही नहीं उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश पहुँच रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कैसे देखा जाए आखिर ये देश किसके हाथ में है अमलेंदु जी? राजीव जी, ये देश जो है वो राम भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस समय उत्सव मनाने में व्यस्त है, तो ये देश तो जो है राम के ही भरोसे है, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है वो जो 18-18 घंटे काम करने की जो उनकी बात कही जाती है, वो लगता है यही 18-18 घंटे काम इस तरीके से करते हैं, जो आरोप विपक्ष लगाता रहता है लगातार ये अपने मित्रों के लिए काम करते हैं। अब वो किसके लिए काम करते हैं ये पता नहीं, 18-18 घंटे किसके लिए काम करते हैं, लेकिन कम से कम देश के जवानों के लिए काम नहीं करते हैं और देश के लिए काम नहीं करते हैं, ये इन घटनाओं से साबित हो रहा है। और राजीव जी, ऐसा पहला अवसर नहीं, आपको याद होगा कि जिसमें मोरबी का पुल हादसा हुआ, और वो तो प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात का ही मसला था, प्रधानमंत्री ने वहाँ भी अपना उत्सव बंद नहीं किया, उस समय भी मोरबी पहुँचे हालांकि प्रधानमंत्री, लेकिन एक दिन बाद पहुँचे प्रधानमंत्री, और उस समय जो था उन्होंने वहाँ जाकर के अपना कार्यक्रम जारी रखा, उद्घाटन उद्घाटन का जो भी था। आपको याद होगा कि जिस समय 2018 में जब चुनाव हुआ था कर्नाटक का, और सरकार बनी भी नहीं थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री शाम को जश्न मना रहे थे और कह रहे थे विभाग के कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया है और अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ कर्नाटक में, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, वहाँ एक पुल हादसा हुआ था, उसमें कई लोगों की जान गई थी, और प्रधानमंत्री ने बस एक शब्द में, मतलब एक लाइन में जो था वो कहा कि भाई शोक व्यक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री का जो था वो जश्न वहाँ जारी रहा। तो प्रधानमंत्री किस तरीके से ऐसे में जश्न मना लेते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय राजीव जी, मतलब कि आपकी संवेदनहीनता जो, मतलब कहाँ, मतलब संवेदनशीलता आपकी कहाँ चली जाती है, और कितने आप संवेदनहीन हो सकते हैं कि आपके देश के एक हिस्से में जिसके कि आप मुखिया हैं, और ये तो खासतौर से सैनिकों से जुड़ा हुआ मसला है, मतलब हमारे जवान शहीदों से जुड़ा हुआ मसला है,
जिनके नाम पे आप वोट मांग करके आए थे, अगर आप उनके लिए भी अगर आपके पास समय नहीं है अपनी संवेदना व्यक्त करने का, और संवेदना हो तब आप व्यक्त करेंगे, मतलब झूठी संवेदना भी व्यक्त करने का जो है, अब आप जो ट्विटर पे दो लाइन लिख दें वो भी आपके पास अगर समय नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि आप बिल्कुल जो है एक तरीके से बिल्कुल आप देश की जिम्मेदारियों के प्रति आप लापरवाह हैं, यही कहा जा सकता है। आप जो मतलब देश की जिम्मेदारी आप निभाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ आपको चुना था, और द्वारा आपको जिन आशाओं के साथ चुना था, दूसरी बार तो खासतौर से इन शहीदों के लिए ही इनके नाम पे आपने वोट मांगे थे जा करके, 40 जवानों के पोस्टर जो थे आपने लगाए हुए थे अपने सब मीटिंगों में, उनके तमाम फ्लैक्स लगाए थे कि इन शहीदों के नाम पर वोट दे दो। तो क्या ये मतलब चुनाव आ रहे हैं तो अब शहीद जवान शहीद होना शुरू हो जाएंगे क्या? मतलब ये गंभीर प्रश्न है, और सरकार इस तरीके से अब खामोश रहेगी, और जब चुनाव आएगा तब आप जो है उनके शहीदों के फोटो लेकर फिर आप मैदान में उतरेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सबसे गंभीर बात है, आप खामोश रहते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है आप खामोश रहे, आपने मान लिया कि जवान है शहीद होता ही रहता है, मान लिया आपने, जैसे आपका कि एक सांसद थे पहले, क्या थे नेपाल सिंह या क्या थे उनका, इसी तरीके का कुछ एक बयान आया था पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे कि सेना में जाते हैं तो शहीद होने के लिए जाते हैं, पैसा मिलता है, कुछ इस तरीके का उनका बयान था, ठीक से याद नहीं आ पा रहा है मुझको। तो अगर आपने ये माना हुआ, मतलब आपकी अगर मानसिकता है कि ठीक है सेना में भर्ती हो रहा है जवान तो इसी के लिए होता ही जाके शहीद हो, ठीक है, लेकिन फिर आपको वोट नहीं मिलना चाहिए उन शहीदों से ना, उन शहीदों के नाम पे, और फिर आप कह रहे हैं कि आप पर्चा दे करके जाओ और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया उसका आप जाकर गुणगान करें। सैनिक जब साल में एक महीने की छुट्टी पे घर पे जाएगा तो वो सैनिक आपकी गुणगान क्यों करेगा? आप उसके सुख दुख में आप शामिल नहीं हैं, वो देश के लिए जान दे रहा है, आप आपके पास एक शब्द नहीं, मतलब शब्द नहीं है उसके बोलने के लिए, और आप चाहते हैं कि वो जवान जो है जब घर जाए तो आपने क्या काम किए वो जाकर के वहाँ जाकर के प्रचार करें आपका। तो ये राजीव जी बहुत ज़्यादा जो है दुखद बात है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, अच्छी बात रही है प्रधानमंत्री थोड़ा सा संवेदनशील हो जाते हैं। राजीव जी जी संवेदना की ज़रूरत है, कम से कम संवेदना प्रकट तो कीजिए, संवेदनशील रहिए, आप संवेदना प्रकट ना भी करें तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनानी चाहिए। चुनाव का वक्त है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दौरे पर आप जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं शहादत के नाम पर पुलवामा में जो घटना घटी थी उस नाम पर आप 2019 का चुनाव लड़ के आए थे, 56 इंच सीने की बात आप करते थे, बहुत सारी बातें यहाँ होती थीं, लेकिन इन सब पर पानी फेरते हुए अब 3 जवानों की शहादत होती है, और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि ये घटना ऑलरेडी पहले की है, ऐसा भी नहीं है कि अचानक ये घटना घटी है और आपको जानकारी ना हो, पल पल की रिपोर्ट आपके पास है उसके बाद आपको जानकारी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इसको आगे कैसे देखा जाए? प्रशांत टंडन जी, ऐसी घटना पे प्रधानमंत्री की चुप्पी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबकी चुप्पी, सरकार आखिर ऐसी घटना को इग्नोर कर क्यों रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए दो पल के लिए मान लिया कि उस समय जश्न का माहौल था, लेकिन उसके बाद रात से लेकर सुबह तक दसियों आप ट्वीट करते, एक ट्वीट कर सकते थे कि नहीं? आखिर कारण क्या हो सकता है? ये यही राजीव जी सोचने का विषय है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, अगर आपको याद होगा कि वोट के लिए इन्होंने टैंक की सवारी भी की, आर्मी की यूनिफॉर्म भी पहन ली जो कि नैतिक रूप से ठीक नहीं था, उसके बाद 30 त्योहारों पे भी वो सेना के जो है वो प्लेसेस में जाते रहे जहाँ सेना तैनात है, तो और अब अचानक इतनी बेरुखी, ये जरूर बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। ये इसको व्यस्तता के तौर पे व्यस्तता मान के खारिज नहीं कर सकते, इसको ये मान के हम खारिज नहीं कर सकते कि जी पहले से तयशुदा प्रोग्राम था, तयशुदा प्रोग्राम तो राजीव जी सरकार का प्रोग्राम है, तयशुदा प्रोग्राम तो शादी ब्याह होती हैं, और अगर पड़ोस में भी या दूर के रिश्तेदार में भी कोई मौत हो जाती तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो तयशुदा प्रोग्राम का लॉजिक भी मैं नहीं मानूंगा। और ये कि रक्षा मंत्री भी नहीं कर रहे हैं, भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई मसला है जो जो आगे जाके थोड़ा समझ में आएगा।
और इसलिए मैं मणिपुर के साथ इसको जोड़कर भी देख रहा हूं कि मणिपुर में लगातार आर्मी की आलोचना दक्षिणपंथी लोगों की तरफ से हो रही है। ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में और खासकर ऐसे देश में जिसकी जहाँ पे दो ऐसे पड़ोसी हैं जहाँ पे हमारा जो रिश्ता है वो सामान्य नहीं है, चीन घुसा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती हैं, और ऐसे माहौल में सेना के प्रति इतनी बेरुखी एक अच्छा संकेत नहीं देती है। हालांकि सेना का अपना एक जो बड़ा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है और बहुत मानवीय भी है, सेना को मैं अंदर से जानता हूँ कि वो बहुत मानवीय है और सेना के अपना सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, और उनको शायद इससे इतना राजनीति से और इस तरीके से फर्क नहीं पड़ता होगा, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को जश्न में डूबे हुए थे, ये आप जानते हैं दोस्तों, इस पर हम कई बार बात अभी कर चुके हैं। कल शाम को भी वो तस्वीर दिखा रहे थे। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। वीणा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक रिफाइनरी के उद्घाटन में लोकार्पण और उसके जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और यहाँ एक जश्न आज है। लेकिन कल जब इस घटना के बारे में बात हो चुकी थी, फ्लैश आ चुका था टेलीविज़न चैनल्स पे, तमाम जगहों पे आ चुका था, प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में क्या लिखते हैं ज़रा आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से इसको पढ़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ट्विटर हैंडल है, लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही राज्यों के चौतरफा विकास के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी कड़ी में कल कई बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिलेगा। इससे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के नए नए द्वार खुलेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है 7:12 पे 13 सितंबर कल शाम 7:12। और ये ट्वीट, इसके आगे पीछे लगातार मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं तो हो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ उन तीनों शहीदों के नाम, कहीं नहीं है। इसके बाद आज एक ट्वीट है 4 घंटा पहले प्रधानमंत्री का, जिसमें मेरे सभी परिवारजनों, अब तो परिवारजन कहने लगे हैं, तो मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। इसके बाद जो आखिरी 1 घंटा पहले जो ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, वो ट्वीट है उनका भाषण, और ये मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट वीना रिफाइनरी एंड अदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बीइंग लॉन्च्ड विल गिव फिलिप टू मध्य प्रदेश प्रोग्रेस, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये उनके भाषण का एक वीडियो है जिसको उन्होंने खुद शेयर किया है। उनके ट्विटर हैंडल से शेयर है, मतलब उन्होंने खुद किया है, ये मान के चलते हैं। इतने ट्वीट हैं लेकिन कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं है। पीएमओ के ट्विटर हैंडल को खंगाल लिया, वहां भी नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं। आखिर हो क्या रहा है इस देश में, एक बड़ा सवाल है। ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि क्या जैसी मर्जी वैसे चलेगा देश। मणिपुर पे मुझे नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, नूह पे नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, पहलवान लड़कियां वहां उनको जूते तले रौंदा जाए, खींचा जाए, उनके कपड़े फाड़े जाएं, सब हो जाए, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। इतनी तमाम घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं,
लेकिन जहां चुप रहना है तो चुप रहना है, और जहां बोलने की मर्जी आए वहां बोलना है। आखिर किस निजाम में है हम, ये तो सोचना होगा, समझना होगा। प्रशांत टंडन जी, जरा समझने की कोशिश हम करें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हमारे साथ इधर स्टूडियो में अमरेंद्र उपाध्याय जी, और आप दोनों के जरिए समझना चाहता हूं कि आखिर किस निजाम में हम हैं। क्या हम ऐसे ही, चाहे मणिपुर पे विपक्ष जितना चिल्लाता रहा, चीखता रहा, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, राहुल गांधी जितनी बात यहां करते रहे, अदानी के मामले पे चुप रहना है तो चुप रहना है, ये एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश, एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश नहीं हो रही इस देश में? प्रशांत टंडन जी, ये राजनीति नहीं है, ये तानाशाही है और ये सनक है। राजनीति तो अकाउंटेबल होती है, राजनेता तो घबराता है, डरता है जनता के गुस्से से, जनता की नाराजगी से। वो घबराता है इस बात से कि लोग, मीडिया क्या लिखेगा, वो घबराता है इस बात से कि सोशल मीडिया क्या लिखेगा। एक बड़ा कारण तो देखिए कि मीडिया भी है, जो कि मीडिया इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, और शायद उसी का घमंड है कि ये जो गोदी मीडिया है, इसके ज़रिए हम जो भी चाहेंगे वो नैरेटिव, वो बहस, वो मुद्दे हम आगे बढ़ा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुगालते में है, गलतफहमी में है, इनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी काफ़ी बदल चुकी है। आप देखिए कि, और ये मीडिया भी, अगर कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का ये फैसला आगे बढ़ता है कि मीडिया का बायकॉट करेंगे वो कुछ एंकर्स का, तो ये मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी और भी गिरेगी इससे, और पहले से भी गिरी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी, आरएसएस, उनके संगठन, उनके तौर तरीके, वो सब जो है वो सरेंडर हो चुके हैं। वाजपेयी जी बड़े पावरफुल नेता थे, लेकिन वाजपेयी जी भी के भी आगे इस तरीके से आरएसएस ने या बीजेपी ने सरेंडर नहीं किया था, कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें वहाँ सुनाई देती थी। तो ये कुछ और तरीका है इनका, वो तरीका वही है कि एक अफसरों का सिंडिकेट है, ईडी, सीबीआई और एजेंसीज का जो है वो मनमाना इस्तेमाल है, और इससे खौफ पैदा हो गया है। अच्छी बात यह कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता और इंडिया गठबंधन पूरा इस खौफ से निकल गया बाहर, और वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी एक जो सामान्य राजनीतिक होता है उससे अब अलग चले गए, ये किसी और मानसिक अवस्था में है, और वो उसको समझ पाना मुश्किल है हम लोगों के लिए कि ये किस मानसिक अवस्था में है जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। क्योंकि इसको केवल कह देना कि असंवेदनशील हैं तो ये बात बनती नहीं है, क्योंकि आप संवेदनशील हो, असंवेदनशील हो, आप किसी भी, आपका मूड अच्छा है, खराब है, आप बीमार हैं, नहीं है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं। राजीव जी, हम लोग पत्रकार हैं, कई बार तबीयत खराब होती है, कई बार हमारे भी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बिल्कुल। तो ये अगर ऐसा व्यवहार तो मेरी समझ से परे है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये देश के राजनीतिज्ञों को और जो भी इस डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर्स हैं, जनता है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौज के लोग हैं, रिटायर्ड फौज के लोग हैं, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि ये असामान्य व्यवहार का मतलब क्या है, इसकी पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों, और इतना असंवेदनशील व्यवहार आखिर क्यों? सब कुछ जानते हुए अमलेंदु उपाध्याय जी, सब जानते हुए, और जनता संवेदनाओं के साथ जीती है, जनता संवेदनाओं के साथ जीते हुए ही आपको वोट दे के आती है, आप में कुछ उम्मीद पाती है, देखती है कुछ उम्मीद
कि हाँ आप आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, आपने ये वादा किया था, आपने कहा था कि जवानों की शहादत हम रोकेंगे, आपने कहा था कि 370 खत्म होने के बाद हम आतंकवाद रोक देंगे, आपने कितने सारे वादे किए थे। इन वादों पर सवाल उठाने से पहले अगर कोई सवाल करे तो आपके जो प्रवक्ता हैं वो किस ढंग से जवाब देते हैं आप सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि ऐसी घटनाएं अगर होती हैं, ना सिर्फ कश्मीर में, मणिपुर में भी, ना सिर्फ मणिपुर में बल्कि हरियाणा में भी और देश के अलग अलग उस जगहों पे हमने देखा, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या हुआ, बलात्कार तक की घटनाएं और क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इन घटनाओं पे जब चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इस पर संवेदना के दो शब्द लिखे जाने चाहिए, शोक के दो शब्द आप लिखते, ये न लिख करके आप इस पर चुप्पी साध जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तो यहाँ पर शक होना, शंका होना, आपके ऊपर उंगलियां उठना ये लाजमी है। इसलिए भी जरा समझना चाहता हूँ अमलिंदु जी कि आखिर क्या कारण है इस चुप्पी का, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चुप रहते हैं बल्कि जश्न में लीन रहते हैं। कल रात से लेकर, कल शाम से लेकर आज तक उनको क्या सिर्फ चुनाव दिखता है? चुनाव के अलावा हमको कुछ नहीं देखना है। मध्य प्रदेश में चुनाव है लेकिन चुनाव कर लीजिए, आज नहीं कल कर लेंगे आप। उन परिवारों के बारे में सोचते जिनके यहाँ ये शहादत हुई है, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका भाई गया है, इनके बारे में सोचते। 2 साल की बच्ची है, एक जवान जो शहीद हुआ, मात्र 2 साल की बच्ची, आखिर उसका भविष्य कौन देखेगा? कम से कम उस परिवार के प्रति एक संवेदना तो जाहिर कर देते आप, लेकिन ये नहीं है। अमरेंदु जी देखिए, राजीव जी आपको याद होगा कोरोना काल चल रहा था तो उसमें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था मध्य प्रदेश के किसी मजदूर का। अब वो कह रहा था कि यहाँ चुनाव करवा दो कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि जहाँ यहाँ चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं, कोरोना वहाँ से भाग जाता है। तो इस समय यह खूब मजाक में चल रहा था, वो मजाक की बातें थी, लेकिन ये बात सही है कि जहाँ चुनाव होता है प्रधानमंत्री से वहीं जाते हैं और वहीं का प्रधानमंत्री ध्यान रखते हैं कि चुनाव में क्या क्या करना है। जिस समय मणिपुर में राजीव जी शुरू हुआ, ठीक प्रधानमंत्री उसी समय कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे, लगातार वहाँ व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि हमारे गृहमंत्री भी मणिपुर छोड़ करके वहाँ चुनाव में व्यस्त रहे। तो मतलब आपके लिए प्राथमिकता केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ही रह गया है, देश से आपका कोई वास्ता नहीं है। दूसरी बात राजीव जी, मुझे लगता है कि यह है कि ऐसी घटनाओं पर अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या कुछ संवेदना भी प्रकट करेंगे तो ये सवाल उठेंगे कि भाई आपने तो जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, आपने तो पाकिस्तान के सब घुटने तोड़ दिए थे, एकदम घर में घुस करके मारा था आपने पाकिस्तान को, आपने कह दिया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर आपने कहा था कि 370 जो है वो खत्म करने से आतंकवाद खत्म हो गया, चूंकि आपने आतंकवाद खत्म करने के लिए 370 की थी हटाई थी, और अमित शाह जी का बयान था संसद में हटा उस प्रस्ताव को पारित करते हुए कि 370 की वजह से ही कश्मीर में आतंकवाद है और उसको हटाया जा रहा है। तो जब आपने 370 हटा दी थी और आप अभी दावा कर रहे थे कि साहब वो कश्मीर में जो है कोई वो हिंदू उत्सव जो है वो मनाया गया है श्रीनगर में वो हुआ है, कोई जुलूस भी है, कोई निकला है, देखिए कितना अमन चैन कितना सब आ गया। तो अगर कश्मीर में अमन चैन आ गया और आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा सफल हुई तो आप फिर वहाँ चुनाव क्यों नहीं करवा देते? मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता को अब ये मांग करनी चाहिए कि भाई चुनाव करा दो, कम से कम चुनाव के बहाने ही प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे कश्मीर में, तभी कुछ बातें समझ देंगे कश्मीर की हालत क्या है, किस तरीके से वहाँ लोग कष्ट में जी रहे हैं, किस तरीके से वहाँ जो है दोहरा मार झेल रहे हैं, एक तरफ आतंकवादियों की और एक तरफ सैन्य बलों की भी। दूसरा ये भी समझ देंगे वहाँ के जो सैन्य बल हैं हमारे, उनके जवान हैं, वो भी शायद प्रधानमंत्री से बात कहने की स्थिति में होंगे, उनका भी शायद कुछ दुर्द मालूम पड़ जाए, तो चुनाव वहाँ करवा देना चाहिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर राजीव जी बात यही है कि चूंकि प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हुए हैं, ये सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हुई है, खासतौर से सरकार की कश्मीर पॉलिसी जो है इसने कश्मीर को एक तरीके से कहा जाए कि एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ सिर्फ विस्फोट है कश्मीर के मामले में। आप देखिए जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी उस समय कश्मीर के क्या हालात थे, उस समय जब वहाँ इलेक्शंस हुए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था आगे बढ़ करके घर से बाहर निकल के किया था। आपने, आपकी पॉलिसीज़ ने कश्मीर को आज ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया। आपके ही प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहते थे जमहूरियत, इंसानियत और क्या कश्मीर बात करते थे जी। आखिर आपके ऊपर वो भरोसा कश्मीर के लोगों का क्यों नहीं जम पा रहा है, और सैन्य बलों का भी मुझे लगता है कि भरोसा आपके ऊपर से लगातार टूटता जा रहा है इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद।
चूंकि ये संदेश अब जाने लगा है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव से मतलब है, उसके लिए फिर चाहे जवान शहीद होते रहे, प्रधानमंत्री का कोई लेना नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना नहीं, सरकार से कोई लेना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार को घेर रही हैं, और प्रधानमंत्री के पास चूंकि इन सवालों के कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए प्रधानमंत्री इन पे चुप्पी बरतना जो है वो बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि इस पे शोक संवेदना प्रकट करें। चूंकि अगर वो शोक संवेदना भी प्रकट करते तो सवाल उठेंगे ना कि भाई जिस चीज़ में आप शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं तो आपके वादों का क्या हुआ। हालांकि अमित शाह जी बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वो सब जुमले थे, ये अमित शाह जी बता चुके हैं, तो ठीक है जुमले भी थे तो जुमले पे ऐसे मत फेंका करो, बाद में लोग आपको पकड़ ले कि आपने क्या जुमले फेंके थे। लेकिन चूंकि वो आदत है राजीव जी जुमले फेंकने की, और जुमलों से चुनाव जीते जा सकते हैं और जीते गए अभी तक, तो ये देखा गया है जुमलों से चुनाव जीते गए, तो उन्हें लगता है कि ये जुमले जो हैं वो फिर चुनाव जिता लेंगे, इसलिए देश की समस्याओं पर और असली सवालों पर बातचीत करने की या देश की सुरक्षा के मसलों पर बात करने की, जवानों की जो समस्याएं उन पर बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो प्रधानमंत्री मुझे लगता है ये समझते हैं अच्छे तरीके, उनके मन में ये है, इसीलिए जो है ये चुप्पी जो है वो खासतौर से दिखाई पड़ती है राजीव जी। जी बिल्कुल, ये चुप्पी और इस चुप्पी के कारण को खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसान कितना संवेदनहीन हो सकता है उसका एक नमूना आपके सामने है, और इस सरकार को ये सोचना चाहिए, और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि इस वक्त जो कुछ हम देख रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात कि एक शहादत, एक नहीं तीन जवानों की शहादत, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। आखिर क्यों चुप हैं, क्यों जश्न में लीन हैं, या इसके पीछे कोई और रणनीति है, इससे पर्दा उठाने की और कोशिश करेंगे। आज इस ब्रेकिंग को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, इसके बाद कुछ और लाइव लेकर आऊंगा थोड़ी देर बाद। खरी खरी